नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूं आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। इससे होगा ये कि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। आपके प्यार से अगर यहाँ तक आई हूँ, चाहती हूँ अपना प्यार से हमेशा मेरे साथ रखें। तो आज मैं आम का अचार लाई हूँ और ये मीठा अचार है। तो मैंने इसको धोकर काट के सुखा लिया था थोड़ा हवा में 1 से 2 घंटा। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल दूंगी तो ये पानी छोड़ेगा, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये हल्दी नमक डाल दिया मैंने, तो ये देखिए मैंने रात भर छोड़ दिया था, इसने पानी छोड़ दिया। रात भर छोड़े या 5-6 घंटे आप छोड़ दें तो ये पानी छोड़ देगा। तो ये देखिए पानी छूट गया है। तो मैं इसको इसमें से निकालूंगी और निकाल के मैं इसको धूप में 1 घंटे से 2 घंटे सुखा लूंगी या हवा में 4 से 5 घंटा। सुखाना ज़रूरी है, अगर हम नहीं सुखाएंगे तो हमारा अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इन गर्मियों के मौसम में मीठा अचार बना के रखिए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी याद होता है और आप इंजॉय कर सकते हैं इसे पूरी पराठा रोटी के साथ। तो चलिए इसे निकाल के हम लगाते हैं। ये देखिए पानी निकाल के लगा देते हैं धूप में, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक कॉटन के कपड़े पे इसको धूप में लगा दिया है। तो धूप में अब 2 से 3 घंटे भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन हवा में ज़्यादा देर रखना पड़ेगा ताकि पानी सूख जाए। आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये मैंने सुखा लिया है और आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से सूखा होना चाहिए, तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा आम सूख गया है और हम इस तरीके से दबा के देखते हैं, अगर यहाँ से पानी आ रहा है इसका मतलब हमें आम को और सुखाना है, पर हमारा आम बिल्कुल सूख गया है, कहीं से भी पानी नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ मसाले। तो ये हमने सरसों तेल लिया है, आपके इसकी जगह तिल का तेल और मूंगफली का तेल ले सकते हैं, क्योंकि मीठा अचार है इसमें आपका चल सकता है मूँगफली का तेल और नारियल तेल या तिल का तेल। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, इसे गरम करके ठंडा कर लिया है। और क्या क्या सामान चाहिए तो दिखाती हूँ। लिया है काली मिर्च पिसा हुआ, आप चाहे तो साबुत लेके पीस सकते हैं। कलौंजी ये हमारा 2 चम्मच है काली मिर्च, ये है 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच है अजवाइन और हींग है 1 चम्मच। ये 2 किलो के लिए बता रही हूँ। इसमें सौंफ ज़्यादा लगता है तो मैंने सौंफ ले लिया है 6 से 7 चम्मच। सरसों लिया है 5 चम्मच, मेथी लिया है 4 चम्मच से कम है, इसको भून के रखा है। ये देखिए लाल मिर्च लिया है, ये अपने स्वाद अनुसार लीजिए, आपकी मिर्च कितनी तीखी है उसके हिसाब से। हल्दी, नमक, नमक भी स्वाद अनुसार, और लेंगे लौंग और दालचीनी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। हल्दी और नमक हम पहले यूज कर चुके हैं तो सोच समझ के डालेंगे, और लेंगे सिरका, इससे हमारा अचार काफ़ी दिनों तक सही रहेगा। और साथ में 1 किलो आम के लिए मैं 1 किलो गुड़ या गुड़ का बुरादा लेती हूँ, आपके ऊपर है आप कितना लेते हैं मीठा खाते हैं उसके अनुसार ले, कभी कम हो तो आप 1.5 किलो ले सकते लगाते हैं। इसको तो मैंने भून लिया है, इन सबको धूप लगा के 1 घंटे उसके बाद में पीस के दिखाती हूँ आपको। तो इनको धूप लगाने के बाद पाउडर बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये तेल अभी गुनगुना है, इसमें मैं अजवाइन और हींग और डाल के कलौंजी मिला लेती हूँ और इसको डालती हूँ मैं आम पे, तो डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे अब नमक, मिर्च और सेंधा नमक। तो हमने नमक हल्दी पहले डाला है इसलिए नमक कम डालेंगे, और डाल के मैं इसमें जो सिरका है वो 1 कप डालूंगी, और अब पिसा हुआ मसाला लौंग, दालचीनी, सरसों, सौंफ मिला हुआ और लाल मिर्च पिसा हुआ मैं डाल के मिला लेती हूँ। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे।
तब हम इसे मिला के धूप में रखेंगे। और धूप में एक दिन रखने के बाद, ये देखिए एक दिन रखने के बाद अब मैं इसमें जो गुड़ है वो डाल दूंगी। तो डालते हैं इसमें गुड़ 1 किलो, 2 किलो पे मैं 1 किलो बता रही हूँ, आप मीठा खाते हैं तो 1.5 किलो डाल सकते हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चम्मच से या हाथ से जैसे भी करना चाहें। तो इसमें जो गुठलियाँ है हम उसको तोड़ लेंगे। तो अभी तो ये सूखा दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ ही देर बाद, एक दिन बाद देखिएगा कि ये गुड़ और आम मिलके पानी छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी आपको एक दिन बाद। तो ये देखिए एक दिन बाद मैं दिखा रही हूँ, ये पिघलना शुरू हो चुका है। अभी और पानी छोड़ेगा ये, तो मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। तो रखते हैं फिर 1 से 2 दिन और धूप में इसको, देखिएगा बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। और फिर बाद में ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होता है 5 से 6 दिन बाद। तो ये देखिए हो गया हमारा बनके तैयार है अचार। मैं इसे किसी कंटेनर में डालूंगी और डाल के रखूंगी। आपके पास चीनी मिट्टी का कंटेनर हो या कांच का हो, मेरे पास अभी प्लास्टिक का है, तो मैं इसे डाल देती हूँ। और काफ़ी महीनों तक रखने के लिए मैं इसे हर महीने कम से कम 1 बार या 2 बार धूप ज़रूर लगाऊँगी ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। तो ये तैयार है, आपका भी कोई तरीका हो। तो आपका भी कोई तरीका हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आप इसे पूरी पराठा के साथ एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।